Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Adnan Sheikh. क्या वो extremely abusive है towards his family and his sister? तो अदनान शेख की शादी ना रिसेंटली 24 सितंबर को हुई थी एंड उसके बाद काफी मीडिया अटेंशन उसे मिला। अभी शादी के ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सितंबर 13 को एक इंटरव्यू बाहर आया जो इफ़त शेख का था जो अदनान की सिस्टर है एंड उस वक्त पे वो इंटरव्यू वायरल नहीं किया बट शादी जब हो गया उसके बाद ये पूरा इंटरव्यू वायरल चला गया। इंटरव्यू में इफ़त ने ये रिवील किया कि अदनान अभी उससे बात नहीं करता, उसको घर पे आने से मना कर दिया गया है। तो उसके जो पेरेंट्स अगर उनको अपनी बेटी से मिलना रहता है तो उसके जो इन लॉज का घर है वहाँ पे वो आते हैं। शी वन रिवील की जब उसकी शादी नहीं हुई थी एंड कॉलेज वगैरह में थी तभी उससे बहुत ज्यादा मारा जाता था। अदनान वॉज अब्यूजिव टुवर्ड्स हर, प्रूफ वगैरह भी उसने दिखा है। उसके भाई का एटीट्यूड ऐसा था कि वो घर में पैसा कमा के लाता है तो उसकी बात सबको सुननी चाहिए एंड अगर इफ़त को कोई कॉलेज के स्पोर्ट्स में या इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता या जाना रहता तो अदनान से परमिशन लेके जाना पड़ता, अगर नहीं लेती तो मार खाती। अब एज अ ब्रदर ऑब्वियसली अदनान प्यार भी करता होगा अपनी बहन से, उसका ध्यान भी उसने रखा होगा, बट ये जो अब्यूजिव बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि इतने साल तुम्हारा ख्याल रखा तो बीच बीच में मार दिया तो क्या हो गया। इस पे ऐसे हाथ उठाना इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। अभी इस इंटरव्यू में इफ़त ने अदनान की होने वाली वाइफ के बारे में भी बात किया जिसका नाम अभी आयशा है, बट शादी से पहले उसका क्या नाम था ये सब बताया। उसका पहले नाम था रिद्धि एंड नाउ रिवर्टेड नाम है उनका आयशा शेख। एंड कहीं ना कहीं उसने ये भी बोला कि आयशा के आने के बाद उसके एंड अदनान के बीच में रिश्ते खराब हुए। अब ये इंटरव्यू जब लोगों ने देखा तब कई लोग इफ़त पे ये एलिगेशंस लगाते हुए दिखाई दिए दैट शी इज डूइंग दिस फॉर अटेंशन, जस्ट शादी के पहले ये सब बोलने का नीड क्या था। तो पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ स्पाइट शी इज डूइंग दिस, कि उसे शादी के फंक्शंस में बुलाया नहीं गया, इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो गुस्से में वो ये कर रही है। नॉट सेइंग वो टोटली करेक्ट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हर इंटेंशन वॉज टू ग्रैब अटेंशन। तो ये जो वो बोलने का ट्राई कर रही है कि वो सुलह करने का ट्राई कर रही है वाया इंटरव्यूज, दैट मेक्स नो सेंस। बट यहाँ पे इफ़त कम्प्लीटली गलत नहीं है। पूरी कहानी जब आप सुनोगे तब मे बी यू विल रियलाइज कि वाई इफ़त इज सो एंग्री एंड वॉट इज रॉन्ग विद अदनान। तो मैंने अदनान के कई इंटरव्यूज देखे जहाँ पे वो अपने बचपन की बातें बता रहा था, कैसे जब वो छोटा था तब उसके जो डैड थे ना वो बहुत मारते थे उसको। एक बार उसने खुद के पिगी बैंक से ना कुछ पैसे लिए थे एंड उससे फटाके वगैरह उसने खरीदे, जिसके बारे में जब उसके डैड को पता चला तब उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मारा, उसके कपड़े निकाल के वो जो चौल एरिया रहता है वहाँ पे भेजा। अंडरस्टैंड दिस, आई एम नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट दी टफ पेरेंटिंग स्टाइल, एट टाइम्स बच्चों को चीजें सिखाने के लिए यू हैव टू बी टफ, पर कॉन्स्टेंटली खुद के बच्चे को बुरे तरीके से मारना ये अब्यूसिव है। बट ये पैटर्न को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया है, बेल्ट से मारना, दंडे से मारना, थप्पड़ मारना, ये कैसे एक पर्सन को अफेक्ट कर सकता है ना, ये कॉन्स्टेंटली निग्लेक्ट किया जाता है। तो इस अब्यूसिव वे से ना अदनान ने अपने डैड को घर चलाते हुए देखा कि वो कमा के लाते हैं तो घर में सब उनका ही सुनेंगे। फिर खुद अदनान ने भी एक्सेप्ट किया है दैट ही हैज एंगर इश्यूज। सीधा लाफा, फाट करके लाफा, तो जैसे मारा मैंने तो सब... और सब मेरे दोस्त लोग, मेरी फैमिली और जितने भी मेरे क्लोज बने सब यही बोल रहे हैं, हाथ मत छोड़ना, गुस्सा कंट्रोल करना, हाथ मत छोड़ना, गुस्सा कंट्रोल करना। एंड उसका माइंडसेट ऐसा है दैट दिस इज ओके। एंड जब वो कमाने लगा एंड उसने अपने मॉम डैड भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तब कहीं ना कहीं सिमिलर चेन ही ऑल्सो कंटिन्यूड कि वो अभी घर देख रहा है तो सब उसकी बात सुनेंगे एंड जो नहीं सुनेगा उस पे वो हाथ उठाएगा। ये अब्यूज का चेन अदनान को ब्रेक करना चाहिए था। जस्ट बिकॉज उसके फादर ने ऐसे बिहेव किया दैट डजंट मीन इट इज द राइट वे। इफ़त जब कॉलेज में थी ना तब स्पोर्ट्स में उसे काफी इंटरेस्ट था पर फैमिली से उसको रेस्ट्रिक्शन था। कॉन्स्टेंटली उसे अपने बड़े भाई अदनान जो उसे 6 साल बड़ा है उसे परमिशन लेना पड़ता एंड एक बार बिना परमिशन लिए वो ऐसे ही स्पोर्ट्स के लिए चली गई। बट बिना पूछे जब वो गई एंड घर आते वक्त उसे लेट हुआ तब अदनान इस बात से ना काफी ज्यादा चिढ़ गया। इफ़त जब वापस आई तब अदनान उससे आर्ग्यूमेंट्स करने लगा एंड इसके बाद बहुत बुरी तरीके से उसे मारना भी शुरू किया। शी वन स्टेटेड कि उसका जो छोटा भाई है उसने भी उस पर हाथ उठाया। जो मार पड़ी थी वो इतना ज्यादा था कि उसके नाक वगैरह से खून बह रहा था। इवन सोसाइटी वालों को भी ना इसके बारे में समझ गया था। सोसाइटी में ना लोग इनके फैमिली से अपसेट थे कि इनके घर में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। अदनान भाई ने मुझे ऐसा मारे कि फिर मैंने मेडिकल करवाया साइन हॉस्पिटल से, मेरे पेपर्स हैं मेडिकल के जहाँ से मेरे नाक से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा था, मुझे ब्रूसेस थे बॉडी पे। एंड ये जब हुआ ना उसके बाद इफ़त ने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाके एनसी करेगी एंड उसने किया भी एनसी। इवन इफ़त के मॉम डैड भी उसको सुलह करने के लिए बोल रहे थे जिस वजह से वो ये मैटर को आगे नहीं लेके गई। तो अदनान घर में अब्यूसिव था एंड इसका प्रूफ खुद अदनान ही दे चुका है। खुद के एंगर इश्यूज के बारे में इंटरव्यूज में वो यहाँ वहाँ पे बूस्ट करते हुए दिखा है। इसके अलावा और एक चीज सामने आई जो इफ़त ने एक्सेप्ट किया है कि 2018 में शी गॉट मैरिड। अभी बोला जा रहा है दैट घर में बिना बताए उसने ये शादी की थी। भी अदनान का ये पॉइंट पे डिसअपॉइंट होना बनता है दैट बहन जो तभी 18 ईयर्स ही होगी उसने बिना बताया ये डिसीजन लिया। पर ये पॉइंट पे वी आल्सो हैव टू कंसीडर दिस फैक्ट कि इफ़त के साथ ना घर में अब्यूज हो रहा था, उसे जो चीजें करना पसंद था स्पोर्ट्स में वगैरह उसे करने नहीं दिया जा रहा था। आप इंटरव्यू देखना इफ़त का जहाँ पे वो अपने सर्टिफिकेट्स दिखा रही है
तब आपको समझ आएगा उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितने खुशी के साथ वो ये सब दिखा रही है। एंड ऐसे अब्यूजिव एनवायरनमेंट से लोग एट टाइम्स निकलने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं एंड उस डेस्परेशन में गलती करते हैं। 2018 में यंग एज में शी गॉट मैरिड एंड 2022 में वो शादी खत्म हो गई। एंड 2022 के बाद भी ना अदनान एंड निफ़त बात कर रहे थे, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉर्ट हो गया था। ऑल्सो अदनान तभी जो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करा था वो आयशा थी, उसने अपनी सिस्टर को भी उसके बारे में बताया, ये भी बोला कि वो उससे शादी करने का सोच रहा है। फिर हुआ क्या कि अप्रैल 2024 में इफ़त की शादी फिक्स हो गई। ये उसका सेकंड मैरिज था। अकॉर्डिंग टू इफ़त, उसकी शादी के दौरान उसके भाई ने ना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उसके दोनों भी भाई ने शादी अटेंड नहीं। देन अदनान ने इफ़त के लिए जो ज्वेलरी बनाया था शादी के लिए वो भी वापस ले लिया, तो एंड मोमेंट पे उसके पास चीजें भी नहीं थी। वेयर एज अदनान की तरफ से ना शादी को लेके ये स्टेटमेंट आया है कि जब मेरी बहन की शादी फिक्स हो रही थी उसके सेकंड हस्बैंड के साथ, तब मेरी बहन के ससुर ने मुझे फोन किया और मुझसे 2 BHK की डिमांड की। मैं घर आया और अपने पापा एंड फैमिली को बताया कि ये लोग शायद पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया। मेरी बहन के पति ने कहा कि अगर मुझे अपने पापा का मुंह बंद करना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इसी वजह से उन्होंने दहेज लिया एंड ज्यादा पैसे मांग रहे थे। वो लोग 2 BHK फ्लैट भी मांग रहे थे, वो मैंने देने से मना कर दिया और शादी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। और जो भी ज्वेलरी मैंने बनाई थी जैसे गोल्ड एंड डायमंड्स, मैंने वो सारी चीजें वापस ले ली। अभी जब मेरी शादी बहुत ग्रैंड हुई है उससे मेरी बहन को जलन हो गया है, इसलिए उसने मेरी वाइफ की सारी फोटोज लीक कर दिया और बहुत नेगेटिविटी फैलाई। ये सब पिछले एक साल से चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम दहेज की वजह से वो शादी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो अगर ये एक्चुअल में हुआ है, उससे फ्लैट वगैरह की डिमांड की जा रही थी, तो उसका स्टांस करेक्ट है, वो पैसे क्यों दे यहाँ पे। अभी जब इफ़त की शादी वगैरह हो गई ना, उसके बाद इफ़त को ये बोला गया कि जो शादी के बाद बेटी वापस एक बार घर में आती है, वो रिचुअल करने के बाद ना उसको फिर से फ्लैट में आने की जरूरत नहीं है, यानी कि जहाँ पे उसके मॉम एंड डैड रहते हैं वो घर में। मोस्टली अदनान ने ये घर खरीदा होगा एंड उसके मॉम डैड अभी वहाँ पे रह रहे थे, बट जल्दी अदनान भी वहाँ पे शिफ्ट होने वाला था, जिसके बाद उसकी बहन को बिल्कुल अलाउड नहीं था वहाँ पे जाने का। अब ये सिनेरियो गलत क्यों है वो आप समझो। बचपन में जब इफ़त को इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में या करियर बनाने में, तब उसके भाई का ये मेंटालिटी था कि लड़कियां पढ़ के करेगी ही क्या, घर ही तो संभालना है उनको। ये थिंकिंग के बारे में खुद इफ़त ने रिवील किया है। इफ़त की जो मॉम है उनको काफी सारे हेल्थ इश्यूज है, वो इतना ठीक नहीं रहती, तो इसी वजह से घर में उसके लिए ना कोई इतना स्ट्रांग स्टैंड लेने के लिए नहीं था। तो यहाँ पे एक तो आप अपनी बहन को इंडिपेंडेंट बनने से रोक रहे हो, उसको उसका करियर नहीं बनाने दे रहे, बिकॉज बाहर तो बिना आपके परमिशन के वो जा नहीं सकती। फिर अगर यंग एज में उसकी ये डिसीजन आप ले रहे हो, देन लाइफ लॉन्ग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी आपका फर्ज बनता है। क्योंकि चलो इफ़त के केस में उसके हस्बैंड उसके सपोर्ट में है, पर समझो एक सिनेरियो ऐसा रहता जहाँ पे इन लॉज एंड हस्बैंड भी सपोर्टिव नहीं रहते, ये बोल के उस लड़की को घर से निकाल देते कि पहले जाके दहेज ले गया, तो अभी उसके पास इन लॉज का तो घर नहीं है रहने के लिए एंड खुद का भाई भी बोल रहा है कि घर पे मत आ, तो वो जाएगी किधर। तो अगर आप में गट्स नहीं है ना कि आप लाइफ लॉन्ग किसका खर्चा उठा पाओ, तो उसको खुद का करियर बनाने से रोको भी मत, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर आज तुम सडनली ये एटीट्यूड दिखा रहे हो दैट आई वॉन्ट टॉक टू यू, मेरे घर में मत आना, तो जब वो छोटी थी तब क्यों दो दो भाई उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, उस पे हाथ उठाते थे। जैसे तुमने ग्रो किया अपने लाइफ में वैसे उसको भी करने देते, तो शायद वो तुम पे डिपेंड नहीं रहती। अभी आवेश दरबार एंड जैद दरबार को देखो, दो आवेश दरबार थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें कर चुका है, पर उसने मेक श्योर किया है कि उसकी जो सिस्टर है वो भी ग्रो करे। आई एम नॉट सेइंग करियर मतलब आपको अपनी बहन को सोशल मीडिया पे ही लाना पड़ेगा, बट पढ़ाई में देन जॉब वाया आप उसका ग्रोथ करा सकते हो। अप्रैल 2024 में इस तरह बहुत प्रॉब्लम्स के बाद ना इफ़त की दूसरी शादी हुई, मे बी इसी वजह से वो ग्रज इफ़त में होगा, तो ये जो भी ग्रज है ना वो और भी ज्यादा फिर बढ़ गया होगा। एंड ऐसे केसेस में यू फील लाइक कि किसने आपके साथ गलत किया है, आपको अब्यूज किया है, आपके लाइफ के डिसीजंस लेने नहीं दिया, छीन लिया है आपसे कुछ मोमेंट्स। तो ये सारे इमोशंस के चलते ना एट टाइम्स आप रिवेंज सीक करने का ट्राई करते हो। पूरे कहानी में ना अदनान और निफ़त दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि अदनान के पास पावर था। देन बात करते हैं अदनान की वाइफ आयशा के बारे में। इफ़त का कहना है कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले ना आयशा को उसके घर वालों ने उसके घर से निकाल दिया, देन वो पिछले 1 साल से अदनान के साथ ही रह रही है। इफ़त ने ये भी बोला कि जब उसे समझा दैट अदनान की गर्लफ्रेंड उसके सारे रूल्स एंड कंडीशंस मानने के लिए रेडी है, तब इफ़त वो सरप्राइज्ड कि इतने इजीली वगैरह कैसे वो मान गई। बट अदनान ने तभी रिप्लाई में बोला कि अरे गाड़ी है घर है कोई भी लड़की मान जाती। इन्हें उसने खुद की होने वाली वाइफ को ना मटेरियलिस्टिक है ऐसा पोर्ट्रेट किया। अभी आयशा के कुछ मोमेंट्स भी देखने मिले हैं जहाँ पे एक तो वो ज्वेलरी शॉपिंग के लिए गई थी एंड वहाँ पे जब अदनान सीज कि चलो मंडी बाजार से लेते हैं, तब शी वाज लाइक कि अदनान की वाइफ और वो मंडी बाजार से कुछ पहनेगी। मैं तो बोल रहा हूँ चलो मंडी बाजार से ले लेते हैं ना। देन इवन ड्यूरिंग मीडिया इंटरेक्शन जब उसे कुछ सवाल पूछा गया, तब उसने पैसे एंड ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ और बोला था। मुझे हर दिन गिफ्ट मिलता है, महल क्या मिला आपको? महल मुझे बहुत सारे पैसे भी मिले, बहुत सारे सोना भी मिला। एंड ये सब देख के कमेंट्स में ये सारी चीजें लोगों ने पॉइंट आउट की थी कि थोड़ा शैलो एंड मटेरियलिस्टिक वो साउंड करती है। ऑल्सो अदनान ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें वो जो फोटो लीक हुई है उसके बारे में उसने ये भी लिखा था कि उसने कई सारे कंप्लेंट लॉन्च किए हैं, कई लोगों को लेटर्स लिखा है।
तो ये पॉइंट पे ही नीड्स टू रियलाइज दिस कि ये जो चिल्ला रहे कि फोटो लीक हुआ है, वो फोटोज पिछले 3 साल से सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो एक पॉइंट पे सोशल मीडिया पे थी, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पे थी। और आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ट्रेंड था जहाँ पे लोग ना अपने फोटोज दूसरे बड़े पेजेस को भेजते थे एंड वो पेजेस फिर अपने पोस्ट में उसको शेयर करते। सिमिलर वे से आयशा के भी कई फोटो सोशल मीडिया पे है, एक तो जब वो एयर होस्टेस थी तब के है, देन एक ऐसा पेज था जहाँ पे कई मराठी सेलिब्रिटीज के फोटो शेयर किए जाते एंड सामने से लोग उनको पोस्ट करने के लिए फोटोज भी भेजते थे। और ये सब ना 2024 का पोस्ट नहीं है, ये सब ईयर 2020 एंड 2021 का है, सो इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जस्ट दैट अभी शादी हुआ एंड हाइप इतना ज्यादा है उसकी शादी का, इस वजह से इतने साल पहले जो फोटोज पोस्ट किए गए थे वो अभी सर्कुलेट हो रहे हैं। ऑल्सो अदनान यहाँ पे लीक को लेकर इतना गुस्सा हो रहा है, बट ऑलरेडी ऐसे कई क्लिप्स है जो शादी के वक्त पे ना फिल्म किए गए थे एंड उस रील्स के दौरान आयशा का साइड प्रोफाइल क्लियरली दिख रहा है, जैसे जो मेकअप वीडियोस बनाया गया, ब्राइडल आउटफिट दिखाते वक्त जो रील बनाया गया। अभी पॉसिबिलिटी है कि अदनान ने कुछ बार्टर टाइप का किया होगा इन पेजेस के साथ, कि वो उसके वाइफ का मेकअप रील बना सकते हैं या उनके पेजेस को शाउट आउट देगा। रिटर्न में मोआ या वो ब्राइडल हाउस ना अदनान को कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। तो ऐसे फिल्मिंग के लिए आयशा और अदनान दोनों की मर्जी थी एंड कई ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे आयशा का फेस दिख रहा है। अब ये चीज इसलिए आई एम पॉइंटिंग आउट क्योंकि शादी के बाद इफ्फत के पेरेंट्स जब बीमार पड़ गए थे एंड वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में एंड इफ्फत जब उनको देखने हॉस्पिटल गई थी तब अदनान भी वहां पे था एंड ही गॉट रियली एंग्री कि इफ्फत यहाँ पे क्या कर रही है, जिसके बाद वो आर्ग्यू करने लगा इफ्फत के साथ कि तुमने मेरी वाइफ का फोटो वगैरह लीक किया है एंड इफ्फत केप्ट ऑन डिनाइंग इट कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर अदनान गाली गलौज भी करने लगा एंड जैसे ही इफ्फत ने भी रिटर्न में बोलना शुरू कर दिया, अदनान ने उस पर हाथ उठाया एंड देन ही स्टार्टेड हिटिंग हर। इफ्फत के साथ उसके फादर इन लॉ भी गए थे, उनको भी बहुत ज्यादा मारा गया, इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए, जिसके बाद इफ्फत पुलिस स्टेशन गई, उसने मेडिकल भी कराया। उसके फादर इन लॉ को एक्सट्रीम इंजरी हुई थी हाथ में एंड देन शी डिसाइडेड कि वो और डिटेल्स में सारे इंटरव्यूज में बताएगी कि अदनान कितना ज्यादा अब्यूजिव है। उसने वो क्लिप भी दिखाया जहाँ पे अदनान उसके डैड को कॉल पे अब्यूज कर रहा है। अबे हैंडीकैप लंगड़े बोखड़ी माता समझ में आ रहा है तेरे को? कॉल उठा रहा है, सब का उठा रहा है, मेरा नहीं उठा रहा है। देखो अदनान जो है वो एक अच्छा बेटा होगा बिकॉज अपने मॉम के हेल्थ को लेके वो वरीड रहता है, उनका ध्यान भी उसने रखा है, इवन मेडिकल एक्सपेंसेस भी उठा रहा है एंड दैट इज अ गुड थिंग। बट ये जो उसका एंटाइटलमेंट है ना कि जिस पे चाहे वो हाथ उठा सकता है, दैट इज रॉन्ग। इफ्फत या उसके फादर इन लॉ पे उसको हाथ उठाने का हक नहीं है, वो है कौन जो ऐसे बिहेव कर सकता है? उसको एंगर इश्यूज है, वो उसका प्रॉब्लम है। अभी आयशा कौन है ये चीज किसको पता ना चले। इस चीज को लेके एक्चुअल में उतना सीरियस रहता तो मुआ या ब्राइडल ड्रेस वालों के साथ रील्स शायद वो नहीं बनाता, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि डाउन द लाइन कुछ महीने बाद वो चीजें लीक कर दे। दिस शोज दैट ही लव्स टू ओवर रिएक्ट एंड गेट एंग्री जब उसे लगता है कि दूसरे फॉल्ट में है, बट खुद के लिए अगर कुछ बेनिफिशियल है तो वो रिस्क लेगा एंड वो गलती करेगा। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अदनान के बारे में इफ्फत ने जो भी चीजें रिवील की है इस पे आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।